अब बात पेरिस की करेंगे, जहां पर पुलिस ने हिजाब पहने एक महिला को गोली मार दी। महिला गंभीर रूप से घायल है। पेरिस पुलिस का कहना है कि महिला मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन को उड़ाने की धमकी दे रही। हिजाब पहनी इस महिला को पुलिस ने ही गोली मार दी। वजह ये बताई गई कि महिला का बर्ताव काफी उग्र था, कि इस्लामिक जिहाद का मिस फायर हुआ है और उन्होंने उनकी कम्युनिकेशन भी जो है इस्लामिक जिहाद की वो भी रिलीज की है, जिसमें वो मिस फायर को एडमिट कर रही है। तो इस वक्त वेस्टर्न मीडिया इसको ब्लेम गेम का नाम दे रहा है। फिर भी जो कुछ भी हो रहा है इंसानियत के खिलाफ हो रहा है, इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं। सिक्योरिटी के जितने भी मतलब पाकिस्तान बाहर मुल्कों से, जैसे कभी भारत से गिले शिकवे करता है कि आपने मेरे अंदर दहशतगर्द लगाए हुए, कभी अफगानिस्तान से करता है, लेकिन अगर मैं कहूँ तो पाकिस्तान में अपने बहुत सारे इस चीज के ना ऐसे समझो जैसे फैक्ट्रियां। और एक ऐसी चीज है जो कि हुकूमत के बस में अब रही नहीं है और हुकूमत वो अब तकरीबन कर चुकी है, और वो है आपके इदारों की सेल। लेकिन एक बात इन्होंने साबित कर दी है कि बतौर रियासत और हुकूमत फेल है सब। आप क्या समझते हैं इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? मुस्लिम उम्मा तो खामोश बैठी हुई है, उसके पास तो है ही कोई नहीं। ये जितना एक मॉरल प्रेशर, और इस वक्त ये कहा जा रहा है जी इंटरनेशनल लॉ की वायोलेशन, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वायोलेशन, कुछ होगा या कि अभी इसी तरह मारेंगे इनको और जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते? अच्छा, मैं ओवरऑल अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो एज अ पाकिस्तानी क्या आप खुद को पाकिस्तान में महफूज समझते हैं? देखो, आजकल के जैसे हालात है मैं तो अपने आप को बिल्कुल भी महफूज नहीं समझता। हमारी अपनी कोताहियां हैं जो हम मतलब फेस करते आ रहे हैं, हम अपने जुर्म की सज़ा खुद लेते आ रहे हैं। हमने मतलब कभी भी सेलेक्ट नहीं किया किसी भी चीज़ को, हमने एक आवाज़ बुलंद नहीं की। कहीं भी अगर दहशतगर्दी होती है आप पीछे चले जाएँ तो इसकी जो कड़ियाँ होती हैं वो अफगान तालिबान अफगानिस्तान से जाकर मिलते हैं। तो हमने इन लोगों को अपनी ज़मीन दी, तहफ़्फ़ुज़ दिया, और ये लोग पाकिस्तान में बदअमनी और पुरसकून नहीं रहने देते। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों कल काफ़ी बिजी शेड्यूल के कारण मैं बता नहीं पाया कि कल पेरिस में एक महिला जो है आधे घंटे से अल्लाह अकबर का नारा लगा रही थी, साथ के साथ वो चेतावनियां दे रही थी कि मैं इस मेट्रो ट्रेन को उड़ा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। अब मेट्रो ट्रेन में जो यात्री थे वो घबरा गए, उन्होंने पुलिस को कॉल कराया, उसके बाद पुलिस जो है मौके पर ही अल्लाह अकबर लगा रही उस महिला को एलिमिनेट कर देती है। इसके बाद पूरी दुनिया में ये न्यूज़ वायरल हो गई कि कैसे अल्लाहु अकबर नाम चिल्ला के, नारा चिल्ला के बार बार गोरों को, यहूदियों को या जो भी वहाँ पे मजहब के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, उनको उड़ाने की बात वो महिला कर रही थी। इस्लामिक रेडिकलाइज का शिकार बताई जा रही थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, यही आप लोगों के सामने रियलिटी है। फ्रांस में जिन भी देशों में, फ्रांस ही नहीं, जिन जिन देशों ने इनको शरण दिया उनके साथ ये क्या हो रहा है। अब दोस्तों फ्रांस में मैं बता दूं, जैसे एक टाइम पे भारत हुआ करता था ना 90 के आसपास का, कहीं इधर धमाके हो रहे हैं, कहीं महाराष्ट्र में धमाके हो रहे हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन की इस समय फ्रांस में भी यही हो रहा है। फ्रांस के कभी किस इलाके में धमाके हो रहे हैं, कभी किसी इलाके में धमाके हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शरणार्थियों को जगह दी और ज़्यादातर शरणार्थी इस्लामिक रेडिकल थे। अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर बड़ा इल्ज़ाम। अफगानिस्तान ने ये क्लेम किया है कि अफगानिस्तान में होने वाले दहशतगर्दाना हमलों में पाकिस्तान मुलव्विस है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने मसले खुद फिक्स करे, हम पे इल्ज़ाम तराशी ना करे। हमने अक्सर ये देखा है कि पाकिस्तान में जब भी कोई दहशतगर्दाना हमला हुआ है तो पाकिस्तान ने उसका मलबा हमेशा इंडिया पर या फिर अफगानिस्तान पर डाला है, लेकिन अफगानिस्तान ने अपने मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी का ब्लेम कभी भी किसी मुल्क को नहीं दिया। लेकिन तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि अफगानिस्तान ने अपने मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया है। अच्छा, मैं ओवरऑल अगर पाकिस्तान की बात करूं तो एज अ पाकिस्तानी क्या आप खुद को पाकिस्तान में महफूज समझते हैं? देखो, आजकल के जैसे हालात है मैं तो अपने आप को बिल्कुल भी महफूज नहीं समझता, क्योंकि पाकिस्तान में आजकल नाम नहाद जमहूरियत है जो कि ना होने के बराबर है। तो जिस तरह पाकिस्तान के सिक्योरिटी के हालात है मैं नहीं समझता कि कोई भी महफूज है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी का तो आपने बता दिया कि आप खुद को महफूज नहीं समझते। अभी कुछ दिन पहले पिशावर में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। आए दिन कुछ अरसे बाद पाकिस्तान में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती रहती है, कभी सुसाइड अटैक, कभी कोई दहशतगर्दाना हमला, ख़ासकर कोई डेलीगेशन आ जाए तो ये वाक़ियात ज़्यादा होने लग जाते हैं। आपको क्या लगता है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है? देखो, हर मुल्क की अपनी एक पॉलिसी होती है, उसको लेके उसने चलना होता है। पाकिस्तान की एक मतलब हुकूमत ऐसी होती है, हर दफ़ा जो आती है ऐसा समझो ऐसे कठपुतली हुकूमत होती है, चल्ला कोई और होता है और वो बातें मतलब खुद से करते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी के जितने भी मतलब पाकिस्तान बाहर मुल्कों से, जैसे कभी भारत से गिले शिकवे करता है कि
आपने मेरे अंदर दहशत गर्द लगाए हुए, कभी अफ़गानिस्तान से करता है, लेकिन अगर मैं कहूँ तो पाकिस्तान में अपने बहुत सारे इस चीज़ के ना ऐसे समझो जैसे फैक्ट्रियाज हैं, ठीक है। हाँ, तो इसको लेके पाकिस्तान को मतलब अपने आप को संभालना होगा, ठीक है। जिस तरफ आजकल की दुनिया जा रही है, आपको पता है AI का दौर है, ठीक है, IT का दौर है, दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, हम अभी तक उसी चीज़ में फंसे हुए हैं कि दहशतगर्दी है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले बाजावड़ में आपने एक धमाका देखा, बहुत सारे लोग उसमें शहीद हो गए, फिर हमारे पॉलिटिशियन ने उसको लेके फिर पॉलिटिक्स की कोई मतलब उसके लिए प्लान नहीं बनाया कि हमने दहशतगर्दी से किस तरह निमटना है, ठीक है। अगर हम पीछे देखें तो कुछ ऐसे वाक़यात रहनुमा हुए आर्मी के, मतलब कुछ ऐसे लेके ना, तो उसमें इतना फौरन उसमें लाहेमल तय हुआ, केसेस हुए, गिरफ्तारियां हुई, ठीक है, लेकिन टेररिज्म को लेके कुछ ऐसा लाहेमल अभी तक पाकिस्तान ने नहीं बनाया कि हमने इसको कैसे कंट्रोल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाकिस्तान को ख़ुद इसी चीज़ पर फोकस करनी चाहिए कि मैंने अपने अंदर अपने आप को मजबूत करना है। आपको पता है अफ़गान तालिबान की जानिब से एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान में जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं उसमें पाकिस्तान मुलव्वस होता है। अफ़गानियों ने आज तक अपने मुल्क में होने वाले वाक़यात का ज़िम्मेदार पाकिस्तान को नहीं ठहराया, क्योंकि पाकिस्तान बार बार अफ़गानिस्तान को या भारत को इल्ज़ाम देता है, तो अब की बार उन्होंने भी जो है अपनी ज़ुबान खोल दी है। उन्होंने कहा पाकिस्तान के जो अपने मसले हैं पाकिस्तान अपने मसले खुद हल करे, बार बार हमें ब्लेम मत करे। क्या कहेंगे आप इस पर? देखो मैंने जैसे पहले कहा कि पाकिस्तान हमेशा ये करता है कि भारत ने मेरे साथ ये किया, इंडिया ने, अफ़गानिस्तान मेरे साथ ये जुल्म कर रहा है। कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दी है कि ये मतलब बहुत हो गया, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, शायद आपने देखी भी होगी, हमने आगे बढ़ना है, ठीक है। तो पाकिस्तान इस चीज़ को नहीं सोच रहा है कि मैंने आगे बढ़ना है, ये एक कंट्री को कभी ब्लेम करना, कभी एक दूसरे को ब्लेम करना, जैसे मैंने पहले कह रहा, अगर आपने आपको पाकिस्तान स्ट्रांग करे, ठीक है। रही बात अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान को बेशक पाकिस्तान ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत, अगर हम मतलब जो उन लोगों ने यहाँ से माइग्रेशन की पाकिस्तान, उसको लेके बड़ा सपोर्ट दिया है, अफ़गानियों को बड़ा सपोर्ट दिया है, लेकिन अब अगर पाकिस्तान उन लोगों पे ब्लेम लगा रहा है तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट राइट। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कैसे इस्लाम के नाम पे, इस्लाम रेडिकलाइज के नाम पे पूरी दुनिया में अशांति फैला जा रही है। ये सिर्फ फ्रांस का ही वाकया नहीं है दोस्तों, ऐसा वाकया हमारे सामने आता रहता है, और इसके फर्म सपोर्टर देश आप लोगों को हमेशा मिलेंगे। सबसे तगड़ा सपोर्टर अगर ऐसे सभी कामों का है तो पाकिस्तान है, दूसरे नंबर पर आता है कतर, तीसरे नंबर पर आता है टर्की, और भी इनके टाइप के सिमिलर देश हैं, और इनकी वजह से दोस्तों पूरी दुनिया में अशांति फैली हुई है, और यूरोप में इसकी आग काफ़ी ज़्यादा फैली हुई, और फ्रांस में और ही ज़्यादा फैली हुई, और दोस्तों सही भी हो रहा है, फ्रांस के साथ ऐसा होना भी चाहिए, मैं बिल्कुल इसको डिसएग्री नहीं करूँगा, इसलिए क्योंकि फ्रांस ने पहले लाखों की तादाद में इस्लामिक रेडिकलाइज लोगों को अपने घर में जगह दी। अभी आप लोगों को पता होगा 5-6 महीने पहले उन्होंने पूरा जलाव घेराव किया हुआ था फ्रांस में, और अब आप लोगों को दिखेगा हर 5-6 दिन में कहीं फ्रांस के इस प्रांत में धमाका, कहीं फ्रांस के मेट्रो स्टेशन में धमाका, कहीं फ्रांस में 2 लोगों की हत्याएं कर दी गई। तो ऐसे सीन अब फ्रांस में नॉर्मल हो रहे हैं इन इस्लामिक रेडिकलाइजेशनों जो आए हैं उनकी वजह से। तो भाई सही है, जगह दो, अब उसका नतीजा भुगतो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए।